अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट 14 अगस्त स्पेशल केक। आप इसे पाकिस्तान का जश्न आज़ादी केक भी कह सकते हैं। आप लोग बाज़ार से अच्छा और सस्ता और मेरी केक घर में बना सकते हैं, और वो भी बग़ैर ओवन के। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। केक बनाने के लिए मैंने 9 अदद अंडे लिए हैं। ये 225 ग्राम मैदा है, एक अंडा और 25 ग्राम मैदा, इस रेशो से मैंने लिए हैं। ये तकरीबन 1.5 कप मैदा बन रहा है, और ये 180 ग्राम चीनी है। ये चीनी मैंने 1/4 कप ली है, और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस ली है। ये अंडे की हम जर्दी और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। ये जर्दी सफ़ेदी मैंने अलग कर ली है। अब इसको मैं बीट करना शुरू करूंगी। और साथ इसके मैं थोड़ी थोड़ी सी चीनी डालती जाऊंगी। ये मैं बारीक वाली चीनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको बारीक पीस भी सकते हैं, लेकिन ये भी इसमें मेल्ट हो जाती है। अब इसमें मैं साथ जर्दी डालूंगी और उसको भी बीट करती जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी डालूंगी। अब इसको बहुत अच्छी तरह बीट करना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। ये बहुत अच्छी तरह से बीट होना चाहिए। ये देखिए अभी नहीं हुआ पूरी तरह। अब इसमें ये वनीला भी डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह बीट करूंगी। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह बीट हो गया है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देखें ज़रा। ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप देखिए जब ऐसे ये फ्लफी हो जाए तो फिर आप बात करें। तो ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूंगी और साथ साथ इसको मैं फोल्ड करती जाऊंगी। अब इसको क्लॉकवाइज हमने ये मिक्स करना है। ये 7 हिस्सों में आपने मैदा डालना है, एकदम से नहीं डाल देना। आपने इसको तेज़ तेज़ फोल्ड नहीं करना, और तेज़ तेज़ फोल्ड करने से इसका जो फ्लफनेस है वो जो बैठ जाता है बिल्कुल, केक का मैदा जो है ना वो ऐसा फ्लफी नहीं रहा। थोड़ा सा मैदा रह गया, इसको हम डाल दें। और इसकी मिक्सिंग जो है ना आपने अच्छी तरह करनी है कि मैदा जो है ना कहीं रह ना जाए, कि अक्सर जब हम केक के सांचे में डालें ना तो मैदा कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा होता, वाइट वाइट सा ना। तो आपने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। पतीली मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी हुई है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसमें मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला, क्योंकि ये जितना इसको बीट करें ना उतना ये फ्लफी होता है, तो बेकिंग सोडा जो है ना वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसे सांचे में निकालते हैं। ये 10 बाई 10 इंच का मैंने सांचा लिया है, और मैंने पहले इसको ऑयल से ग्रीस किया, फिर मैंने बटर पेपर लगाया, और फिर मैंने इसको ग्रीस किया और ये साइडों पे भी लगा दिया है कि केक बार दफ़ा फूल जाता है तो वो बाहर ना गिरे। अब इसमें मैं डालूँगी बिस्मिल्लाह रहमान। ये इसको हम अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे ऊपर से। मैं इसको पतीली में बना रही हूँ, क्योंकि हर घर में ओवन नहीं होता, तो पहले मैं ओवन में भी बनाती रही हूँ, लेकिन अब मैं इसको पतीली में बना रही हूँ। अब ये पतीली को हमने प्री हीट होने के लिए रखा था, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं। हमने नीचे चूल्हा ऑन कर दिया था। अब इस पर ये हम ये एक सांचा सा कड़ा सा रख देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं। अब इसमें हम ये रखेंगे। अब हम इसे 45 से 50 मिनट के लिए कवर करेंगे। इसकी भाप बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और इसका जो चूल्हा ना वो हमने हल्का रखना है। ये 50 मिनट हो गए, और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल पूरी तरह ये बेक हो चुका है, और ये देखिए कितना फ्लफी है ये बेकिंग सोडे के बगैर ही। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा करेंगे। ये केक जितनी देर ठंडा हो रहा है इतनी देर में हम क्रीम बीट कर लेते हैं। ये 2 कप मैंने क्रीम ली है। और ये 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है।
ये क्रीम बीट हो गई है, इसको मैंने 6-7 मिनट बीट की है। अब हम केक की कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये केक ठंडा हो गया है, इसमें अब ये हम इसको निकाल लेते हैं अंदर से। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए ये हमने कटिंग कर ली है, इसको हम साइड पे करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा जूस डालेंगे। अब हम इस पर क्रीम लगाते हैं। पहले हम एक हल्की हल्की तह लगाएंगे, फिर हम ज़्यादा लगाएंगे। इसको अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे ताकि पूरी तरह ये कवर हो जाए। ये क्रीम लगा ली है हमने, अब हम इस पर दूसरी तह लगाते हैं। अब हम इस पर भी सबसे पहले जूस डालेंगे। जूस डालने से केक बहुत सॉफ्ट बनता है और जूसी भी होता है। अब हम इस पर भी क्रीम की तह लगाएंगे। अच्छी तरह हम इस पर इसको कवर करेंगे। देखिए क्रीम पूरी तरह लगा दी हमने। अब इसको हम सेट करते हैं, बिल्कुल हम बराबर करेंगे इसको। अब हम थोड़ी वाइट क्रीम इसमें डाल लेते हैं। ऐसा नहीं, इसकी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। ये वाइट कलर से मैंने डेकोरेशन कर ली है, अब मैं ग्रीन कलर क्रीम में डालूंगी, फिर उससे करूंगी बाकी का हिस्सा। तो हम साइड पे करते हैं। अब इसमें हम ग्रीन कलर शामिल करते हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हम इसको डार्क करेंगे, ये हल्का कलर है। आपको ये फूड कलर किसी भी सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। ये क्रीम मैंने बीट कर ली है। ये ये 200 ग्राम मैंने वाइट चॉकलेट लिया है, इसको मैं डबल बॉयलर पे गरम करूंगी। इसको मैं, ये चॉकलेट मेल्ट होगी, अब इसमें मैं फूड कलर डालूंगी। पहले थोड़ा सा डाल के चेक कर लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने क्रीम डाली है। ये बहुत गर्म है, मैं ज़रा सा इसको ठंडा करूंगी और फिर हम इसको केक पर डाल देंगे। अब इसे भी हम पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। अब हम इसे केक पे पोर कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त जश्न आज़ादी केक बनकर तैयार है। आप इसे बगैर ओवन के घर में भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और आगे इसको शेयर भी करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अब अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।